सभी प्रदेश के अधिकारीगण सम्मानित किया, उन्हें इस मंच पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश को जीवन रखने वाली हमारी जीवनदायी माँ नर्मदा और अन्य नदियों के साथ आठ नर्मदा समग्र न्यास की स्थापना हुई। पावन धीर और हमारे पर्यावरण की आधारशिला नदियों के समर्थन इसके बाद में मध्य प्रदेश गायकी परिवार और उसकी ओर से आमंत्रित हैं श्री राजेश पटेल। इस हफ्ते महापुरुष के ओर से सम्मान करने के लिए पूरी जी है जगदीश जी है चित्र जी है मध्य भारत और सेवा भारती मध्य भारत का सम्मान ग्रहण करने के लिए हम बहुत ही सम्मान के साथ उल्लेख करना चाहेंगे श्री विमल कुमार त्यागी जी सचिव सेवा भारती कृपया मंच पर आए। इस वक्त मध्य प्रदेश गायक परिवार मध्य प्रदेश गौरव सम्मान प्राप्त कर रहा है और इसके बाद सेवा भारती मध्य भारत की हमारी इसी प्रयास उनका लगातार बना हुआ है और हम सब जानते हैं कि विजय मनोहर तिवारी इस समय मध्य प्रदेश की रूप सूचना आयुक्त है। गायत्री परिवार और सेवा भारती के बाद मंच पर इंदौर की प्रतिनिधि और श्रीमती शर्मा जी के साथ उनका मंडल विशेष रूप से इंदौर से ये गौरव सम्मान अलंकरण करने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। संस्था के सभी पदाधिकारी आप देख रहे हैं कि इस वक्त चप्पल दुकान व्यापारी एसोसिएशन इंदौर के पदाधिकारी अपनी संस्था की ओर से ये सम्मान ग्रहण करने के लिए मंच पर हैं और इसके बाद सरस्वती शिक्षा परिषद श्री राजकुमार आचार्य माननीय राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मध्य प्रदेश के तमाम इसके बाद सुश्री रुबीना फ्रांसिस लेकिन रुबीना जी इस वक्त दुबई वर्ल्ड चैंपियन शूटिंग में गई हैं और वहाँ पर एक प्रतिभागी के रूप में दर्शन कर रही हैं लेकिन उनके हिस्से का सम्मान अलंकरण उनके कोच श्री जयवर्धन सिंह चौहान प्राप्त करेंगे। जोरदार तालियों से रुबीना फ्रांसिस इस वक्त इस सम्मान अलंकरण जयवर्धन सिंह चौहान रुबीना फ्रांसिस पुरस्कार के लिए बाद आमंत्रित हैं आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री अनिल कमिश्नर जगदीश सिंह चौहान ने सुशील को मिला तालियां आपके बजती रहे तो कोई हर्ष नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश की प्रतिनिधि तालियां हम भोपाल मान सकते हैं राजधानी के सभागार की ओर से मान सकते हैं आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अनिल कमिश्नर उसके बाद श्री विनायक लोहानी विनायक लोहानी जी का भावना का क्षितिज इस आरुषि संस्था ने खुला है जिसकी गतिविधियों से जिसके कार्यों से आप अपनी तरह व्यवस्था है। मंच पर डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी सचिन केवलिया और अर्शद खान पधार रहे हैं जोरदार तालियों से आरुषि संस्था और इसके बाद इस राज्य स्तरीय गौरव सम्मान अलंकरण के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार। जैसा कि आपको बताया गया शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान स्थापित है और आज ऐसे चयनित
और प्रभु को हम आज मंच पर सम्मानित करने जा रहे हैं। इस क्रम में आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री आवास योजना कलेक्टर चंद्रपुर, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी जिला पंचायत, प्रधानमंत्री आवास योजना गांधी विशेष कार्यक्रम के लिए। इसके बाद आमंत्रित हैं मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए और आमंत्रित आजीविका मिशन के तहत उल्लेखनीय कार्य के लिए इस सदी का। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और नगरीय विकास और आवास विभाग के तहत विभिन्न परियोजनाओं को संपादित करने और उत्कृष्ट कार्य के लिए कलेक्टर बड़वानी अपनी टीम के साथ माननीय कलेक्टर बड़वानी और कलेक्टर द्वारा नामित संबंधित नगर निकाय के अधिकारी, संबंधित नगर निकाय के माननीय अध्यक्ष की कामना सिद्धू महाशिखर नहीं की जा सकती और इसी के तहत कलेक्टर बड़वानी मंच पर है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और नगरीय विकास तथा आवास विभाग के लिए पीएम स्ट्रीट पैटर्न आकृति परियोजना और इसके लिए कलेक्टर निवाड़ी का चयन हुआ है। इस निवाड़ी जिले का चयन और कलेक्टर साहब मंच पर बता रहे हैं और उनके साथ जिले के अन्य कलेक्टर निवाड़ी पीएम स्ट्रीट पैटर्न आत्मनिधि योजना आप सब जानते हैं जिसे पीएम स्वनिधि योजना कहा जाता है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने कार्यों को संपादित किया इस परियोजना को और इसके बाद कलेक्टर बुरहानपुर सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए और इसके बाद पुलिस थानों के लिए किन के तहत चयन हुआ है श्री मकरंद देवस्कर आयुक्त पुलिस भोपाल श्री विनीत कपूर पुलिस थानों के लिए किस तरह से की गई है और आप सब जानते हैं कि पूरा उत्तरदायित्व से बना हुआ काम हमारे पुलिस थाने का होता है। सीएम राइज स्कूल की बारी है और इसके तहत श्रीमती रश्मि अरुण शमी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्री अभय वर्मा आयुक्त सीबीआई और श्री टी एस कुशवाहा प्रमुख संचालक सीएम राइज स्कूल आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अपने नवोन्मेषी कदम रखने वाला एक ऐसा महत्वाकांक्षी कदम है और संस्कृत विद्यालय की ओर से श्री प्रभात राज तिवारी संचालक महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान इस वक्त आप श्री महत्वपूर्ण हम सब के लिए उपयोगी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के श्रेष्ठ संपादन के लिए श्री प्रतीक हजेला प्रमुख सचिव आयुष विभाग और डॉक्टर राजीव मिश्रा उसे योग कार्यक्रम को संपादित कुशलता से करने के क्षेत्र में श्रीमती खजेला सचिव आयुष विभाग और डॉक्टर राजीव मिश्रा उप संचालक आयुष। इस क्रम में अब आमंत्रित हैं उमंग हेल्पलाइन और उमंग हेल्पलाइन श्री महाकाल महालोक परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना आप सब जानते हैं कि 11 अक्टूबर को माननीय मनीष सिंह प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग संजीव झा प्रमुख सचिव धर्मस्व विभाग श्री आशीष सिंह कलेक्टर जिला उज्जैन और श्री आशीष पाठक सिंह और स्मार्ट सिटी उज्जैन उज्जैन के विशाध्यात्मिक सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में सुनहरा पृष्ठ जुड़ा महाकाल लोक परियोजना के माध्यम से और आइए श्री कलेक्टर जिला ग्वालियर श्री आशीष तिवारी सिंह मंच पर ग्वालियर जिले के आशीर्वाद योजना के व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन के लिए श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह कलेक्टर जिला ग्वालियर अपने अधिकारियों के साथ समझौते से समाधान और इस परियोजना के संपादन के लिए और इसके क्रियान्वयन के लिए आशीष सक्सेना जी सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। नगर गौरव दिवस और इस नगर गौरव दिवस के तहत दतिया ने विशेष उल्लेखनीय कार्य किया। श्री संजय कुमार कलेक्टर जिला आज विभिन्न उत्कृष्ट सम्मान के तहत चयनित व्यक्तियों को जिलों को संस्थाओं को सम्मानित कर रहे हैं जैसा कि आप मंच पर देख रहे हैं। इसके बाद इस क्रम में आमंत्रित हैं सम्मान अभियान प्रक्रिया मंच पर है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महिला अपराध शाखा सम्मान अलंकरण प्राप्त कर रही है इडोट इन आंगनबाड़ी और इस परियोजना के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं
अपर मुख्य सचिव महिला और बाल विकास विभाग श्री आशा द्वारा संचालित परियोजना पोषण आहार संयंत्र संचालन और इसके तहत हम अलग आवास सामग्री के तहत काम करेंगे और इसके लिए एक बार फिर श्री उमाकांत कुमराव जी और आदरणीय श्री केदार सिंह संचालक प्रधानमंत्री आवास परियोजना। इसके बाद अब हम भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया केंद्र सरकार मुख्य सचिव महोदय स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 और इसके तहत भारत सरकार ने विशेष रूप से पुरस्कार के लिए चयन किया। लेकिन आप जिला जगदाश गवानिया माननीय कलेक्टर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग पानिया जी हमारे जिले के कमनाथ जिलाधीश माननीय कलेक्टर स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण और आदरणीय श्री राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार श्रेणी 2 के तहत प्रथम पुरस्कार केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया गया और इसके लिए श्री सुखवीर सिंह पुरस्कार केंद्र सरकार की ओर से प्रदान किया गया और मध्य प्रदेश की ओर से प्रशस्ति स्वच्छता मनीष जी प्रधानमंत्री आवास योजना लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं। हम सब मिलकर कामना करेंगे इसी तरह से हमारे मुख्य सचिव इकबाल मेहरा जी दिलीप सिंह जी एसीएस विनोद कुमार जी इस सभा के रहे यहाँ और पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में मुझे सुन रहे सभी प्रिय बहनों भाइयों बेटे बेटियों सबसे पहले तो बधाई अपने उन साथियों को जिनको मध्य प्रदेश उत्सव के समापन दिवस पर हमने पुरस्कृत किया है हमने सम्मानित किया है पूरे मध्य प्रदेश लगभग 8,000 से ज्यादा लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में चाहे वो सामाजिक संगठन हो अच्छा काम करने वाले इंडिविजुअल्स हो हमारे बेहतर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हो अच्छे खिलाड़ी हो आज उनको सम्मानित किया है आज उनको एक अद्भुत है अपना मन यहाँ वन संपदा या जल संपदा या जल संपदा या खनिज संपदा या किसी संपदा यहाँ कल के जल चल करके बहने वाली नर्मदा मैया की तरह नदियां यहाँ श्री महाकाल महालोक यहाँ ओंकारेश्वर यहाँ ओरछा में राम रजा मैया प्रसादा मैया भगवान राम ने 13 वर्ष वनवास के बिताए थे देवास की चामुंडा मैया अपना महेश्वर 3-3 बड़े हिटे या सांची या मथुरा हो या भीमबेट का अलग अलग टाइप के नजर रमना राज्य टाइगर स्टेट को पहले से आता टाइगर स्टेट भी ऐसा था सच में राजधानी में भी टाइगर को बाहर रुपए में मिल जाते हैं सही है अपन टाइगर हम लेपर्ड स्टेट हम अब चीता स्टेट भी जिद भी हमने इस प्रकार चित्र रखे नहीं तो बचते नहीं दुनिया भर के पास पक्षी हाथ है हमारे यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ वो अद्भुत अद्भुत अन्य
देख रहे हैं दखल न्यूज़।